हूँ, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th में जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो देख सकते हो आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख सकते हो ये आपका इंग्लिश का पेपर है, तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते हैं, इसी चैनल पे वीडियो डाला गया है, जाके देख लीजिए, नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पीडीएफ के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके लिख लेना। तो देख लो विषय कोड वगैरह की बात करेंगे तो ये सारा यहाँ पर दिया जा रहा है, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते तो आगे बढ़ेंगे, और यह बिल्कुल एग्जाम और ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलते हो। आप सारे क्वेश्चन का आंसर याद करके जाओ और एग्जाम में लिख देना प्यारे बच्चों। तो साथियों यहाँ से देख लेना, आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन में जो बोला एनी जो है ना आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 × 2 यानी कि टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज नालंदा जो है ना सायरनम वॉयलेस। अगला क्वेश्चन आपका बी नंबर है, व्हाट इज अनदर जो ना हल्डोल गवास्कर टॉक अबाउट। अगला क्वेश्चन सी नंबर है, आई जो है ना हाउ दिया गया, हाउ विल द डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ क्लाउड्स अफेक्ट मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर ए ह्यूमन बॉडी टू ए सिस्टम। क्वेश्चन बड़ी है, व्हाट इज मीन्ट बाय द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए, व्हाट डज द नोवेल टॉल ए टॉम। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंगल है ना, क्या बोला, व्हाट डज द एंगल टेल टॉम। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया जी नंबर, व्हाट डज द हॉर्स फाइंड द शूट जो ना शूटेशन एस्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर एच में, व्हाई इज लव कंपेयर टू ए पोल स्टार। अगला क्वेश्चन आई में है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है जे नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड ए नोवेल। चलिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो लॉन्ग में आपका दिया जा रहा है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन में बोला आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ये आपका 5 मार्क्स वाला है ना, 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए, पहला है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फ्लड और नेशनल जो ना इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन आपका है बी नंबर, राइट ए लेटर टू योर कोसाइन इनवाइटिंग हर टू कम टू योर प्लेस ऑन द एव ऑफ दिवाली। क्वेश्चन नंबर सी में बोला, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिनिस्ट्रेस टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर परमिशन टू लीव द स्कूल परमिशन हैज यू आर नॉट फीलिंग वेल। चलिए अगला क्वेश्चन डी नंबर है, राइट ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू राजगीर। चलिए बात करते हैं हम लोग ये नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर होगा, राइट ए मैसेज टू योर फादर टू ब्राइंग यू सम बुक्स ऑन मैथमेटिक्स फॉर मेक प्रिपेरिंग फॉर एडमिशन टू द इंजीनियरिंग कोर्स। तो ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, इसका आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो आंसर भी लेकर के हम लोग आ चुके हैं, और पीडीएफ के रूप में भी हम डाउनलोड कहाँ से करना है इसका आंसर हम बता